नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ होली स्पेशल बहुत ज़्यादा टेस्टी और खस्ता गुंजिया की रेसिपी। वैसे भी होली में तो सभी के यहाँ गुंजिया बनता है ना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गुंजिया के लिए आटा लगाएंगे। तो जितना आपको गुंजिया बनाना है उसके हिसाब से मैदा ले लीजिएगा, है ना। यहाँ पर मैं 3 कप नापकर मैदा ले रही हूँ। अब इसमें हम मोयन के लिए घी डालेंगे। तो इसमें हम 3 से 4 चम्मच घी डाल देते हैं। इस तरीके से घी से ना जो हमारा वो है गुंजिया एकदम खस्ता बनेगा दोस्तों। और फिर इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से, जिससे घी ना पूरे आटे में अच्छे से लग सके। ये देखिए, इस प्रकार बढ़िया से मिक्स कर लीजिएगा और इसको इस तरीके से हाथों में बांध कर चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए, जब इस तरीके से बंधने लगे ना तो समझ जाइएगा कि मोयन बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो एक साथ ना बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा दोस्तों, हमें ना एकदम सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, थोड़ा हमें कड़ा ही रखना है आटा को, है ना। और इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, मैंने आटा लगा लिया है। देखिए बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट नहीं लगाया है मैंने, इस तरीके से अच्छे से मसल मसल कर थोड़ा सॉफ्ट कर लीजिएगा, है ना। और ये हमारा आटा लगकर बिल्कुल तैयार है। तो इसे अब हम ढक कर साइड में रख देंगे और फिर बाकी का प्रोसेस कर लेंगे। तो ना सूती कपड़े को थोड़ा गीला कर कर ढक कर रख दीजिएगा। अब गैस में हम एक पैन रखेंगे और इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट होने देना है। और मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, बारीक कटा हुआ काजू, थोड़ा पिस्ता और थोड़ा बादाम है। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद का और ऐड कर सकते हो। अब इसे हम ना लो फ्लेम में थोड़ी देर भूनेंगे, है ना, जिससे जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा किशमिश डाल देती हूँ दोस्तों, और किशमिश को भी साथ में भून लेंगे इस तरीके से। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ड्राई फ्रूट हमारा भून चुका है। तो अब इसमें मैं 1/2 कटोरी सूखा नारियल का बुरादा डालूंगी, है ना। इसे मैंने घर पर ही पीस कर तैयार किया है। सूखा नारियल को पीसते समय मैंने मिक्सी को रुक रुक कर ही चलाया है दोस्तों, जिससे ना नारियल का तेल ना निकले। और इसे भी ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे से भून लेते हैं, इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है गुंजिया में। आप चाहो तो इसकी जगह पर मार्केट में मिलने वाले रेडीमेड नारियल के बुरादे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखा है दोस्तों, और ये बहुत अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और पैन को अच्छे से साफ करके फिर से गैस में रख दिया है मैंने। और इसमें अब हम 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। फिर हम इसमें 1 कटोरी रवा डालेंगे, और रवा को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से चलाते हुए भून लेना है, है ना। रवे को थोड़ा अच्छे से ही भूनना है दोस्तों, इसका थोड़ा कलर चेंज होते तक, है ना। अगर रवा अच्छे से नहीं भूनता है ना तो जब आप गुंजिया खाएंगे तो जो रवा है दांत में चिपकने लगता है, इसलिए रवा को थोड़ा अच्छे से भूनिएगा। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, रवा भून चुका है, देखिए थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखा है। आज हम रवा और मावा से गुंजिया बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी मावा लिया है। मावा को मैंने घर पर ही बनाया है, है ना। तो बहुत देर इसको भूनेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा नमी नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। साल भर का त्यौहार है दोस्तों, मावा और रवे का जो गुंजिया है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, है ना। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखेंगे और लो फ्लेम में बस थोड़ा सा इसे मैं भून ले रही हूँ। और ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरीके से, और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है, और जो हमारा मावा है अच्छे से ठंडा हो गया है, है ना। तो इसे अब हम मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। और जो रवा और ड्राई फ्रूट है वो भी अच्छे से ठंडा है, तो इसे भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है गुंजिया में।
और इसके बाद चीनी डालेंगे। तो चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है दोस्तों, 1 कप चीनी लिया है मैंने, है ना। तो थोड़ा बचा देते हैं, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। चीनी जब भी डालें, सभी जो सामान है अच्छे से ठंडा होना चाहिए, वरना चीनी क्या है ना पिघल जाएगा इसमें। और इस प्रकार हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। पूरे चीनी हम इसमें डाल देते हैं, मीठा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, थोड़ा जैसे भी आप कम या ज़्यादा पसंद करते हो उसके हिसाब से, है ना। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा हाथों से इस तरीके से। और ये देखिए हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, है ना। तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं और अब हम गुंजिया का आटा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है आटा, हमने थोड़ा कड़ा ही आटा लगाया था, है ना। तो इसे थोड़ा देर मसल मसल कर और चिकना कर लेंगे हम इस तरीके से, है ना, ये देखिए। और इसमें से एक छोटा सा लोई उठा लेंगे हम और इसे हथेली के बीच में रख कर बिल्कुल पेड़े के जैसे बना लेना है, है ना, देखिए इस तरीके से। अब इसे हम बेलेंगे, तो इसे बेलने के लिए तेल या फिर आटा का इस्तेमाल नहीं करना है। गुंजिया के लिए सख्त आटा लगाते हैं ना, तो बहुत ईजली ये बेला जाता है, है ना। ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से बेलिएगा, मोटा या पतला मत रखिएगा दोस्तों, है ना। ये देखिए चारों तरफ से मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब इस तरीके से गुंजिया बनाने वाला सांचा ले लेना है और जो पूड़ी बना कर रखे है ना उसे उसमें डाल देना है इस तरीके से, देखिए। और चारों तरफ हम पानी लगा देते हैं। पानी लगाने से क्या है ना कि तेल में जब हम फ्राई करने के लिए गुंजिया को डालेंगे तो वो फटेगा नहीं। इस तरीके से पानी लगा लीजिएगा, उसके बाद जो हम स्टफिंग तैयार करके रखे थे ना उसे डाल देना है। तो बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, है ना, ये देखिए जितना आएगा उसमें उसके हिसाब से डाल लेना है इस तरीके से। और फिर इसे अच्छे दबाते हुए बंद कर देना है, ये देखिए चारों तरफ से इस प्रकार थोड़ा से दबा दीजिएगा, जिससे इसके किनारे अच्छे से चिपक जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा है ना उसे निकाल लेंगे, इसे भी हम बाद में बेल लेंगे, है ना। और ये लीजिए बहुत सुंदर हमारा गुंजिया बनकर तैयार हो गया है। ये जो गुंजिया बनाने वाला सांचा है मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है दोस्तों, है ना। और बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे गुंजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप पूड़ी बेलेंगे ना तो बढ़िया पतला ही पूड़ी बेलिएगा, अगर पूड़ी थोड़ा मोटा हो जाएगा ना तो आपका गुंजिया है खस्ता बिल्कुल भी नहीं बनेगा और अंदर तक अच्छे से नहीं पकेगा और खाने में बिल्कुल कच्चा कच्चा लगेगा। और इसे आप बहुत दिन तक रख भी नहीं पाएंगे दोस्तों, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, है ना, इसलिए पूड़ी पतला ही बेलिएगा। और ये देखिए इस तरीके से मैं गुंजिया बनाकर तैयार कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे। बहुत आसानी से गुंजिया बन जाता है सांचे में और बहुत जल्दी बनता है दोस्तों। और ये देखिए मैंने सारा गुंजिया बनाकर तैयार कर लिया है, देखिए देखने में ही कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। गुंजिया फ्राई करने के लिए मैंने तेल गर्म कर लिया है दोस्तों, तेल को मीडियम गर्म ही करना है, है ना। और उसके बाद एक एक करके हमें गुंजिया डाल देना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है मैंने और बिल्कुल लो फ्लेम में ही इसे हम फ्राई करेंगे। और जब थोड़ा सा झाग ख़त्म हो जाएगा ना तो इसे इस तरीके से पलट लेंगे और अलट पलट कर गुंजिया को हमें गोल्डन कलर आते तक फ्राई करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगे कि कोई गुंजिया फट गया है ना, तो उसे तुरंत निकाल दीजिएगा, वरना जो उसका स्टफिंग है ना पूरे तेल में बिखर जाएगा। और ये देखिए गुंजिया में कितना प्यारा कलर आ गया है, एक भी गुंजिया फटा नहीं है और बहुत अच्छा कलर आया है इसमें। और ये हमारा बहुत टेस्टी और खस्ता गुंजिया फ्राई हो गया है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। और जो बाकी का गुंजिया है उसे भी इसी प्रकार हमें फ्राई कर लेना है दोस्तों। और ये लीजिए हमारा होली स्पेशल मावा और रवा का गुंजिया बिल्कुल तैयार है। इस प्रकार बनाकर आप इसे 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। इस होली आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आप भी बनाइए, खाइए और स्वस्थ रहिए। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।